कि जिंदा को मैं 5 साल का इंतजार नहीं करती। और माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब आप विधानसभा में हो ना हो, लोकसभा में हो ना हो, तो रोड पर जरूर होना। कुछ लोग इस देश को जो है टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग इस देश को धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं, उनकी जबान खींच ली जाएगी। अगर किसी भी हमारे एक भाई पे कोई उंगली भी लगाई गई, हमारे संगठन के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत, हमारी विचारधारा एक है, राष्ट्रहित के लिए, अंबेडकरवाद के लिए। और जो राजस्थान में जो गुंडाई कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, उनका जवाब जब चाहे जब दे देंगे। अगर एक भी अंबेडकरवादी पे कोई जुलम जाति अत्याचार हुआ, तो एक भी MP जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, एक भी विधायक जो राजस्थान से ताल्लुकात करते हैं, वो दिल्ली में नहीं घुसेगा। क्या मुख्यमंत्री जो है गरूर में है, अपने अहंकार में है कि दलित का उन्हें दर्द नहीं दिखाई देता, राजस्थान वासियों का दर्द नहीं दिखाई देता? या वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो उनको पनाह दे रहे हैं अपराधियों को? दो अप्रैल को जो 2018 में जो SC ST एक्ट में संशोधन हुआ, उसको लेकर पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें जो लोग शहीद हुए, युवा शक्ति दल की टीम ने उनको आर्थिक मदद पहुँचाने का काम किया, आर्थिक मदद पहुँचाई भी। और हर साल जो है हम अब शहीद दिवस मनाते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पर शहीद हुए वो राजस्थान के थे। और राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शोषण होता है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? और अभी ताजी घटना जो पाली की है, जहाँ पर जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पर मार दिया गया, और वहाँ हम लोगों ने और हमारे अंबेडकरवादी संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार के सामने मांग रखी, और अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई है। तो 2 तारीख को युवा शक्ति दल की टीम अंबेडकरवादी साथियों को साथ लेकर के दिल्ली में जो राजस्थान भवन है उसका घेराव करेगी। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अंबेडकर की आवाज़ बने, माननीय कांशीराम साहब की आवाज़ बने, शहीद भगत सिंह की आवाज़ बने, उस जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ बने जो नौजवान साथी इस आज़ादी के बाद संविधान के ऊपर, संविधान को मानते हुए अपनी मूछें रखता था, उसकी हत्या करी गई। उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उस परिवार की आवाज़ बनने के लिए दिल्ली में युवा शक्ति दल की टीम राजस्थान भवन का घेराव करने जा रही है। सवाल पूछेगी उन नेताओं से जो नेता चुनाव के टाइम पे SC समाज की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन जब उन पर जुलम जाति अत्याचार होता है तो वो कहीं नजर नहीं आते। तो हम लोग आने वाली 2 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार सुबह 10 बजे राजस्थान भवन का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जो अभी तक राजस्थान सरकार ये समझ रही है कि जो पीड़ित परिवार की मांगों को नहीं माना गया, 4 से 5 दिन हो गए हैं उन मांगों को दिए हुए, लेकिन अभी तक उन कान जो मुख्यमंत्री के कान पर जू नहीं रेंगी है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों ने पहल करी है, दिल्ली के आसपास के लोग, भारत के लोग अपने अपने कलेक्टरों पर ज्ञापन दें, और जो दिल्ली के लोग हैं वो सुबह 10 बजे शनिवार के दिन 2 अप्रैल को दिल्ली में जो राजस्थान भवन है उस पर पहुंचे, और जितेंद्र मेघवाल के साथ साथ 2 तारीख 2018 में जो नौजवान साथी शहीद हुए थे उनको नमन करें। हम लोग उनको वहां नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखेंगे। और साथियों, मेरी अपील उन लोगों से भी है जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, और खास करके मेरा निवेदन है बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मुखिया मायावती जी से कि जैसे युवा शक्ति दल ने चुनाव में उनका समर्थन दिया था, उनको समर्थन दिया था, चुनाव लड़वाया था पंजाब, चंडीगढ़ और UP में, तो आज चुनाव नहीं है, लेकिन आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई की बात है, आज हमारे संघर्ष की बात है। अगर हम लोग रोड से, अगर हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। तो मेरी अपील है आदरणीय बहन जी से भी कि वे भी राजस्थान भवन में अपने पदाधिकारी को भेजें, कार्यकर्ता को भेजें, जैसे युवा शक्ति दल ने चुनाव के टाइम में उनका समर्थन किया था। ये लड़ाई किसी संगठन या किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है, हर उस वर्ग की है जिसको दबाया जाता है, जिसको कमजोर समझा जाता है, जिसकी आवाज को कोई नहीं उठाता। और आज समय आ चुका साथियों, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा को मैं 5 साल का इंतजार नहीं करती, और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जब आप विधानसभा में हो ना हो, लोकसभा में हो ना हो, तो रोड पर जरूर होना, जिससे कि आपकी आवाज को दबाया ना जा सके, आपकी आवाज को कुछ लोग कुचल ना सके। अंबेडकर जी ने कहा था कि साथियों,
सत्ता तो आनी जानी है, लेकिन रोड पर संघर्ष अवश्य है, जरूरी है, जिससे कि हम लोग अपने मूवमेंट को जिंदा रख सकें। तो 2 तारीख आपके नाक की भोजन समाज के इतिहास की बात है। सभी लोग राजस्थान भवन जो दिल्ली में है सुबह 10 बजे पहुंचे 2 तारीख को, शनिवार का दिन है, और जितेंद्र मेघवाल की आवाज बने, हर्ष भारत के पीड़ित की आवाज बने जो आज अपने आप को अकेला हुआ ऐसा महसूस कर रहा है। युवा शक्ति दल की टीम लगातार प्रदर्शन करती रही, आवाज उठाती रही है और साथियों पीड़ितों को मदद दिलाना काम करती रही है। चाहे पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप जाकर देखिए किसी की भी सरकार हो, लेकिन दलितों पर अत्याचार नहीं रुकते, ओबीसी समाज पर अत्याचार नहीं रुकते, उनको दबाया जाता, उनको मारा जाता, उनके नेता बोलने को तैयार नहीं होते, ये क्या कारण है साथियों? तो मेरी आपसे अपील है, जिनके अंदर ललित यादव जिंदा है, जिनके अंदर पेरियार साहब जिंदा हैं, जिनके अंदर जो है डॉक्टर राम मनोहर जिंदा है, जिनके अंदर अंबेडकर काशीराम साहब की विचारधारा काम करती है, वो लोग 2 अप्रैल को मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब और बहुजन मूवमेंट की आवाज बनने के लिए, भाई जितेंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए राजस्थान भवन दिल्ली जरूर पहुंचे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील है। और जो लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, आज समय टुकड़ों का बटने का नहीं है। जिन लोगों ने पहले आवाज उठाई मैं उनको भी बधाई दूंगा, और जो लोग में हमारे साथ खड़े होंगे मैं उनको भी बधाई दूंगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे परिवार, हमारे घर, इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने की है। कुछ लोग इस देश को जो है टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग इस देश को धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं। तो साथियों हमें रोकना होगा, हमें इकट्ठा होना होगा, हमें पहल करनी होगी, हमें एक कदम बढ़ाना होगा, और चैन बन करके जो लोग जुलम जाति अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज वो समय आ गया है, चाहे किसी का संगठन किसी के भी नाम से हो, अगर कोई एक आवाज देता है तो उसके साथ खड़े हों, उसके साथ इकट्ठा नजर आएं। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी अपील है उन लोगों से कि वो उस परिवार के साथ खड़े हों जो परिवार आज अकेला है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है, ये संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि जब से कुछ लोग सत्ता में आए हैं जिन्होंने जाति मजहब पे बांटने का काम किया, उन्होंने हजारों लोगों को शहीद कर दिया, कहीं NRC के मामले पर, कहीं SST एक्ट के मामले पर, तो कहीं रेप के मामले पर, तो कहीं साथियों अवैध कब्जों के नाम पर। तो मेरी आपसे अपील है कि हम लोग आने वाली 2 तारीख को राजस्थान भवन दिल्ली पर इकट्ठा हो रहे हैं सुबह 10 बजे, आप सभी लोग पहुँचें और युवा शक्ति दल की ताकत को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं। युवा शक्ति दल किसी एक जाति मजहब का नहीं है, युवा शक्ति दल हर उस युवा का है जिसका आज शोषण किया जा रहा है, जिसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, और इस परिवार को बड़ा करें, उस परिवार को जितेंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाएं। सरकारी नौकरी को लेकर मांग थी, 50 लाख मुआवजे की मांग जो प्रशासन ने कही थी, उनको एम्बुलेंस लाइसेंस बनवाने की बात थी, उनको जमीन को जो है जमीन का पट्टा देने की मांग थी, वो कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। और कुछ लोगों ने जब हमारे साथी राजस्थान गए, हमारी टीम भी उनके साथ गई, तो कुछ लोगों ने वीडियो वायरल करी कि अगर कुछ लोग यहाँ आते हैं तो हम दंगे करा देंगे, उनकी जबान खींच ली जाएगी, अगर किसी भी हमारे एक भाई पे कोई उंगली भी लगाई गई, हमारे संगठन के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे सिद्धांत, हमारी विचारधारा एक है, राष्ट्रहित के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए। सबसे पहले हम लोग राष्ट्र और अंबेडकर को मानते हैं, बाद में किसी और को। तो देश में रहना होगा, संविधान की जय कहनी होगी, और जो राजस्थान में जो गुंडाई कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, उनका जवाब जब चाहे जब दे देंगे। और जो लोग राजस्थान पहुंच रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, और हम लोग दिल्ली राजस्थान भवन घेर रहे हैं, अगर एक भी अंबेडकरवादी पर कोई जुलम जाति अत्याचार हुआ तो एक भी MP जो राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, एक भी विधायक जो राजस्थान से ताल्लुकात करते हैं वो दिल्ली में नहीं घुसेगा, अगर हमारे किसी भी अंबेडकरवादी के कोई कुछ वहां हो गया, उंगली लग गई। और हम स्वयं आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, अपने अंबेडकरवादियों के साथ राजस्थान भवन मुंह तोड़ जवाब देने। और जो समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो गुमराह होकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या समाज के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपनी राजनीति करें, हमें नहीं जीना। बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन का बकरी जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर का जिया जाए। हम उधम सिंह, भगत सिंह को मानते हैं, नहीं जीना हमें 100 साल, हम 24 साल की उम्र पर चढ़ जाएंगे फांसी, लेकिन अपनी कौम पर जुलम जाती अत्याचार नहीं होने देंगे। तो ये साथियों आपके साथ संघर्ष की घड़ी है,
इसमें आपको खड़ा होना है और उस परिवार की आवाज बनना है जो आज देश में अकेला है, अपने आप को एहसास महसूस कर रहा है। तो लास्ट में पुनः आपसे अपील है कि आने वाली 2 तारीख 2 अप्रैल को आप राजस्थान भवन पहुंचे और जितेंद्र मेघवाल की आवाज बने और उन परिवारों को नमन करें जिन्होंने 2018 में 2 अप्रैल में शहादत देख करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में एक्ट को बचाया और बहुजन समाज को चेतना दी। लेकिन प्रशासन ने तो कहा था हम मांगे पूरी करेंगे, आप लोगों ने उसी बात को तो हम कह रहे हैं, 1 हफ्ता होने को है, हमारे लोगों ने वहां ज्ञापन दिया, प्रशासन के वहां लोग मौजूद थे, लेकिन वो क्यों नहीं मांगे पूरी की हमारी? हमने खुल कल बात करी है पीड़ित परिवार से, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। आश्वासन दिया जा रहा है कि हमने फाइल लगा दी है, शासन ने प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। क्या मुख्यमंत्री जो है इतने अपने जो है गरूर में है, अपने अहंकार में है कि दलित का उन्हें दर्द नहीं दिखाई देता, राजस्थान वासियों को दर्द नहीं दिखाई देता? या वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो उनको पनाह दे रहे हैं अपराधियों को? 24 घंटे बीतते नहीं है, सबसे ज्यादा शोषण जो राजस्थान में होता है एससी एसटी के लोगों का, वहां के मजदूर किसान लोगों का, वहां के जो जो गरीब परिवार के लोग हैं। अगर ये मुख्यमंत्री जो इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि हम मांग नहीं मानेंगे, तो इनका तो बाप भी मानेगा, यह देश संविधान से चलता है।